यंगस्टर की काफ़ी पसंद वाली बाइक रहती हैं, यही ज़्यादातर रहती हैं। अपने पास ये एक RS है, ये V3 है, वैसे तो ये डिसकंटिन्यू हो चुकी, लेकिन अपने पास V4 नहीं थी, फिर भी ऐसा इसको मेन कंपैरिजन अपना पल्सर 220 और RS 200 करेगा, और इसको बीच में ले लिए हैं दूध भात के लिए थोड़ा। चलिए इसका कंपैरिजन करते हैं कि इसमें क्या फीचर्स ज़्यादा रहते हैं। बाकी फीचर्स तो इसमें ज़्यादा हैं, और पावर के मामले में बात करें तो पावर RS 200 में ज़्यादा है, फिर उसके बाद 220 में है, फिर ये भी यानी ये 150 cc में सबसे ज़्यादा 200 वालों को टक्कर यही देती है। बाकी सभी लोग जानते हैं R15 काफ़ी अच्छी बाइक है। यहाँ पे गाइस लुक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे RS का 200 का लुक्स देख लीजिए और R15 का और 220 का। तो मैं इसमें जज नहीं करूँगा कि आपको यानी मुझे कौन सा, यानी मैं अपना बता देता, मुझे तो सबसे प्यारा भाई RS का, इसलिए कि मैं RS 200 ही खरीदने वाला था, लेकिन कुछ थोड़ा मनी प्रॉब्लम की वजह से 220 लेना पड़ा अर्जेंट में। आप लोग फिर गेस करिएगा उसमें कमेंट में, ओवरऑल बताइएगा कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। RS में देखती है तो इसमें पहले 2 DRL दिए गए हैं और LED इंडिकेटर दिया गया है, और दोनों प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, ये RS की बात हो गई। और सेकंड ऑफ ऑल इसमें तो पूरा LED सेटअप दिया गया है, वाइट LED दिया गया है। और यहाँ पे 220 में देख सकते हैं, 220 में 2 हाइलोजन दी गई हैं, पार्किंग लैम्प छोटे छोटे हाइलोजन, और इसमें एक सेटअप हाइलोजन, दोनों हाइलोजन ही, लेकिन इसमें नीचे वाला प्रोजेक्टर दिया गया है और इंडिकेटर आप इसमें यहाँ ऐसा दिया गया है, और नंबर प्लेट होल्डर और मिरर सबसे अच्छा मुझे लग रहा है 220 का। इसमें देख सकते हैं इसमें कान इसकी शोभा बढ़ा देते हैं 220 में, और इसके भी मिरर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये तो पूरी स्टॉक बाइक है, यानी इसमें जैसे अपन लोग ट्रांसपेरेंट इसमें करा लिए, इसमें सिर्फ सिंपल कराया गया, इसमें विंगलेट बस दिए गए, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है इसका। और मुझे इसका सबसे अच्छा ये अच्छा लगता है यार कि इसमें जो ये थोड़ा आईब्रोस टाइप की, जैसे लड़कियों की आईब्रोस रहती है जैसे, अच्छी लगती है इसमें। सिंगल से बात करते हैं गाइस, तो इसका टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पे 100mm का मिलेगा, उसमें भी 100 मिलेगा, और अपनी 220 में 90-90-17 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिख गया है मुझे, और रटा भी है ये सब चीज़ें। आप लोग टायर प्रोफाइल देख सकते हैं गाइस तीनों की, इसमें 100-100 और यहाँ पे 90 हो गया, ये थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन हो गया, गाड़ी के हिसाब से जज अच्छा करता है लुक के हिसाब से। इसमें 100 भी डलवा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, जो कंपनी स्टॉक देती उसी में काम चलाना चाहिए अपने को। व्यू से बात करते हैं, साइड व्यू आप लोग जज करिए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। मेरे को तो सबसे बेस्ट, अगर साइड लुक से बात करते हैं तो तीनों लगती तो भाई तीनों है, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल जब लास्ट में आप वीडियो पूरा देख के कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा। मुझे 220 का मस्त लुक लग रहा है इधर साइड से, और RS भी अच्छी लग रही है यहाँ साइड व्यू से। हैंडलिंग की बात करते हैं गाइस, तो देख सकते हैं ऐसा सबका हैंडल है, इसको पास से दिखा देते हैं। 220 का ऐसा हैंडल दिया गया है, सब में क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं, किसी में पाइप बैंड वाला नहीं दिया गया है। और RS और 220 का ओवरऑल दोनों का पॉस्चर सेम है, फिर दिखाएंगे, इसका थोड़ा एग्रेसिव टाइप का, ज़्यादा एग्रेसिव है इसका पॉस्चर। इसमें टाइम देख सकते हैं आप, 4:38 में बताइए, इतनी धूप में रिव्यू कर रहे हैं बिकॉज थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए भी मेहनत करना पड़ेगा कि गाड़ी अवेलेबल मेरे पास नहीं हो पाती यार। यहाँ पे आप लोग धूप देख सकते हैं कितनी मेहनत में, 4:30 बजे यहाँ पे गाइस RS 200 का आप हैंडल देख सकते हैं। ये BS3 बाइक है, बाकी BS6 भी सेम है, बस कलर का चेंज है, यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया गया आपको, इसमें फीचर्स दे दिए, फीचर्स ज़्यादा दिया है उसमें। अब आपको यहाँ पे इसका मीटर दिखाते हैं, ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे गाइस, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, बाहरी बाहरी दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे इसका मीटर चालू करते हैं, ये देखिए कितना प्यारा इसका मीटर है, पूरा ऐसा मीटर कुछ दिखता है, RPM यहाँ पे, ये सब चीज़ पता है ना, जल्दी जल्दी करना है। अब गाइस R15 का आप एक बार मीटर देख सकते हैं, और RS का दोनों का आपको दिखा देते हैं, दोनों का अच्छा, इसका ज़्यादा एग्रेसिव है। अब इसका मीटर दिखाते हैं, ये V3 है, अपने पास V4 भी है, किसी दिन रिव्यू करेंगे। यहाँ पे प्रिंसू लिख के आता है आप इसमें, और यहाँ पे पूरा डिजिटल स्पीडोमीटर, इसमें गियर इंडिकेटर दिखाता है, और यहाँ पे स्पीड, और यहाँ पे फ्यूल के बार RPM मीटर हो गया, बस इतना दिखाएंगे। 220 में चलते हैं, यहाँ पे गाइस अपनी धन्नो आ चुकी है, 220 सदाबहार गाड़ी है, इसका मीटर दिखाते हैं आपको। इसका भी एनालॉग बढ़िया है, एनालॉग और डिजिटल, ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। इसमें RPM, फ्यूल के बार्स,
और स्पीडोमीटर, यहाँ पे ट्रिप है, ट्रिप भी यहाँ पे, ये सब बस हो गया ख़त्म, अब चलते हैं। बात करते हैं तो ये सेमी फेयर्ड बाइक है, देख सकते हैं आप, 220 सेमी फेयर्ड है और यहाँ पे दोनों फुल फेयर्ड बाइक है, देख सकते हैं आप, उसकी भी इधर से दिखा देते हैं, आरएस के भी दिखाते हैं, देख सकते हैं आरएस एकदम पूरी फुल फेयर्ड बाइक नीचे तक, और ग्राउंड क्लियरेंस तीनों का अच्छा ही है, कहीं भी आराम से टच नहीं होती है। आरसी के तो अभी और अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको फिर स्पीडो उसमें दिख जाएगी। फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो देख सकते हैं इसमें 11 लीटर, उसमें शायद 11 या 13 लीटर, वो अच्छे से आपको दिख जाएगा, उसमें तो 50 लीटर दिखाता है, 50 लीटर है भी। की बात करते हैं तो सीट हाइट इसकी थोड़ी कम है, यानी दोनों इनकी और इसकी, और इसकी दोनों की ज़्यादा है, यानी इसमें थोड़ा मम्मी बैठ जाएंगी, थोड़ा यानी एडजस्ट करके उसमें भी बैठ जाते, यानी सब में बैठ, उसमें तो अच्छी है वो, स्पेशली उसकी सीट भी देख सकते हैं पीछे पूरी लंबी अच्छी दिखती है। बैक साइड में इसमें देख सकते हैं इसमें साइलेंसर कितना छोटू सा है, और इसमें पीछे 140 सेक्शन का टायर दिया गया है, टायर पीछे दिखाते हैं अभी, पीछे डिस्क ब्रेक, यानी ये तो सिंगल, ये तो बिना ABS वाली बाइक है, BS3 आपकी जो आती है तो इसमें डुअल चैनल ABS है, R15 में भी इसमें शायद सिंगल चैनल ABS ही होगा, आपकी जो आती है V4 में उसमें डुअल चैनल ABS, और इसमें सिर्फ सिंगल चैनल ABS आता है, BS6 वाली में बात कर रहा हूँ, इसमें तो कोई नहीं है, नॉन ABS बाइक है, BS4 बाइक है। आप लोग पीछे से देख सकते हैं टेल सेक्शन आपको कौन सा अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बताऊँ तो RS बहुत प्यारा लगता है, RS तो बताऊँ क्रश बाइक हो गई, यानी कल R15 थी V4 और RS स्टूडेंट, मैं सबसे ज़्यादा इसी में फ़ोटो खिंचवाया हूँ। पीछे देख सकते हैं आप लोग टेल लाइट, फिर आपको टेल लाइट की पूरी दिखाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें चारों पीछे का LED यानी इसमें जल रहा है, धूप में गाइस यार सब भूल जा रहा है फिर भी। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो देख सकते हैं आप टायर प्रोफाइल, इसमें 220 थोड़ा पतला लगता है, इसमें 140 सेक्शन का R15 में, और RS में 130 सेक्शन का टायर मिलता है। 200 में गाइस 200cc का इंजन आता है, इसमें 24 PS की पावर प्रोड्यूस करती है, सबसे पावरफुल बाइक यही है, और 6 गियर की स्पीड की बाइक है, R15 में 6 स्पीड गियर बॉक्स है, और 155cc का इंजन, आपको फिर डिस्प्ले भी हो जाएगा जल्दी जल्दी, और 6 गियर की गाड़ी है, और 18 BHP प्रोड्यूस करती है पावर, और 220 में 220cc का इंजन और 20 point something पावर है, 5 गियर की स्पीड बाइक है, फिर भी चारों गाड़ी 144, 145, 140 आराम से टच कर देती है, बाकी RS BS3 वाली है तो वो तो 150 प्लस जाती है। RS का एग्जॉस्ट साउंड आपको सुनाते हैं गाइस, इसका सबसे प्यारा साउंड है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसका आप सुनाते हैं RS 200 का, काफ़ी गर्मी है इसका, काफ़ी प्यारा इसका भी, यानी बेसी साउंड है, यानी अच्छा दिखता है। अब 220 में सुनाते हैं आपको 220 का, इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा हल्ला करती है, हो गया तो सबका अच्छा है, काफी चल रहा है। बात करते हैं गाइस आपके चलाने के ऊपर डिपेंड है, कोई 40 का भी क्लेम करता है, बाकी मेरे को R15 का क्या लगता है, 40-45 देती है ना, आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपनी अपनी गाड़ी का कितना, जिनके पास R15 हो तो आप बताइएगा कितना आपकी एवरेज देती है, आप RS वाले भी बताइएगा कमेंट में, एवरेज बस बताइएगा आप। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत की है यार, देख सकते हैं धूप में 4:30 बजे अचानक से फ़ोन लगाया दोस्त और आ गए, अब क्या कर सकते हैं हम। गाइस ये भाई चढ़ा लिया, थोड़ी सी चढ़ जाएगी और बच गई, हाँ चढ़ गई वो भाई, ये चढ़ा लिया।